जहां पूरा देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है, वहीं बरेली भी इससे नहीं रहा अछूता। बरेली के विनायक अस्पताल में ऑक्सीजन हुई खत्म। अस्पताल प्रशासन ने तीमारदारों को किया जबरदस्ती डिस्चार्ज। मरीज व उनके परिजन बैठे सड़क पर। मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे उत्तर प्रदेश का प्रदेश मंत्री हूं। मैंने एक हफ्ता पहले अपने भाई छोटे भाई को यहां एडमिट कराया था विनायक हॉस्पिटल बरेली में। उस समय हमें नहीं बताया गया था कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी या नहीं होगी। एडमिट किया था, आज बिना किसी कारण बताए हुए सबको, जो भी पेशेंट थे हमारे भाई से, सभी लोगों को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। सब लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और परेशान हैं। प्रशासन ध्यान दें, माननीय योगी जी ध्यान दें, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ध्यान दें, माननीय डिप्टी सीएम ध्यान दें। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि डीएम बरेली और कमिश्नर बरेली को तत्काल विनायक हॉस्पिटल में गैस आपूर्ति करने को सुनिश्चित कराएं, जिससे कि 100 लोगों की जान बचाई जा सके जो लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। धन्यवाद। नहीं तो इससे पहले क्या अस्पताल प्रशासन ने को आपने आगाह करा था कि यह ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी? नहीं नहीं किया, हमारी हो रही है ये तो, उनकी मरीज ने क्या भर दिया, हमारी ड्यूटी बताया था कि ऑक्सीजन कमी हो जाएगी, ये हमारी ड्यूटी हो रही है, उनकी ड्यूटी है। अच्छा, कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनको ये डिस्चार्ज कर रहे हैं? जो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं।